यार ये इंश्योरेंस भी ना बड़ी अजीब चीज है, जिसके पास नहीं है एक भी नहीं है, और जिसके पास है उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज का ना पूरा बुफे लगा हुआ है, क्योंकि हम सबके घरों में वो एक फैमिली इंश्योरेंस एजेंट जो हर साल कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई डर दिखा के आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी चिपका देता है। तो आपके पास हो जाता है पॉलिसीज का ढेर, और वो सारी ऐसी पॉलिसीज होती है कि जरूरत पड़ने पे ना उनमें से एक भी आपकी जरूरत को पूरी नहीं करने वाली। तो आज ना हम जानेंगे कि कैसे इंश्योरेंस खरीद खरीद के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और कैसे आपके इमोशंस को, डर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और ये भी जानेंगे कि इससे निकलने का, बचने का, और परिवार को भी अच्छी इंश्योरेंस से सुरक्षित रखने का तरीका क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज से इंश्योरेंस पॉलिसी से बेवकूफ बनना बंद। जब हम लोग क्लाइंट्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, तो कई बार हम देख के हैरान हो जाते हैं कि कितनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, और पूछो तो वही पुरानी कहानी। लड़का हुआ है, पॉलिसी ले लो, लड़की हुई है, पॉलिसी ले लो, शादी है, पॉलिसी ले लो, घर बनाना है, पॉलिसी ले लो, पढ़ाई है, पॉलिसी ले लो। दुनिया की प्रॉब्लम कोई भी हो, कुछ लोग आपको उसका सॉल्यूशन बोलते हैं कि हमसे नई पॉलिसी आई है, पॉलिसी ले लो, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व। आपके घर आएंगे, आपके घर के सदस्य बन जाएंगे, बच्चों को बोलेंगे कि मैं उनका मामा हूं, हमेशा मिलने आने पे चॉकलेट्स या छोटे मोटे खिलौने भी लाएंगे, घर के बिल्कुल अपने बन के रहेंगे, आपकी सारे दुख दर्द, वल्नरेबिलिटीज, कमजोरियां सब जान लेंगे, जहां थोड़ा सा मौका मिला आपको सॉल्यूशन के रूप में पॉलिसी बेच देंगे। ऐसा हम सबके घरों में या तो हुआ है या हो रहा है। अब ये होता तो है, इससे बचने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है और एक ही थंब रूल है, और ये सिर्फ इंश्योरेंस के लिए नहीं है, ये सारे फाइनेंस के लिए एक ही सिंपल सा थंब रूल है। कुछ अगर नया फैंसी सा है, मिक्स एंड मैच किया जा रहा है ना, तो उससे दूर रहो। फाइनेंस में ना प्लेन वैनिला प्रोडक्ट। इंश्योरेंस चाहिए प्योर टर्म प्लान, उसमें प्रीमियम बैक मत लेना, उसमें फैंसी तरह के एड ऑन्स मत लेना। क्रेडिट कार्ड चाहिए, पेमेंट करना है, सिंपल डेबिट कार्ड, सिंपल क्रेडिट कार्ड ठीक है। जहां दोनों को हम मिक्स करते हैं ना, तो बाय नाउ पे लेटर, आरबीआई बैन, ये सब कुछ होता है। फाइनेंस में इनोवेशन से दूर रहना प्रोडक्ट खरीदते समय, सिंपल प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट टिके रहना। अब ये सच है कि टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरत के समय आपको विनाश से बचा सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा या गलत पॉलिसी लेने से वही आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। अब थोड़ी डमी पॉलिसी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, आपके बच्चे की हायर एजुकेशन है ना, कितने साल बाद है, 12 साल बाद, 13 साल बाद, ये रही एक बहुत अच्छी पॉलिसी। आपको क्या करना है, हर साल ना आपको 1,00,000 रुपए साल का जमा कराना है इस पॉलिसी में अगले 12 साल तक, यानी महीने का 8,000 रुपए आप कर सकते हो। आप थोड़ा सा पैसा बचाओ और ये पॉलिसी में डालो, तो हर साल आपको 1,00,000 रुपए जमा कराना है 12 सालों तक, यानी 12 साल में आपने कितना, 12,00,000 रुपए जमा कराए ना, 12 साल बाद, 13 साल बाद आपके पैसे 12,00,000 जो आपने जमा कराए थे वो बढ़ के हो जाएंगे 18,00,000 रुपए, 50% का इंक्रीज। और यही नहीं, 12 सालों तक आपके बच्चे का 18,00,000 रुपए का जीवन बीमा भी रहेगा। तो जीवन बीमा भी हो गया, जीवन बीमा के अलग से पैसे भी नहीं देने पड़े, कोई पैसा नहीं देना पड़ा, और आपके 12,00,000 रुपए जो आपने दिए थे वो 50% बढ़ के हो गए 18,00,000 रुपए। और क्या चाहिए, ले लो ना पॉलिसी। अब ऐसे सुनो ना तो ये डील अच्छी लगती है, लेकिन इसको जरा अगर कैलकुलेट करने बैठो ना तो सच्चाई सामने आती है। दो फैक्टर्स इसमें डिस्कस करते हैं। पहला, कि जब आप ये सोचते हो ना कि 12 साल बाद आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, वो भी 50% बढ़ के 6,00,000 का मुनाफा, इसको अगर परसेंटेज में काउंट करूं ना, मैं ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, परसेंटेज में काउंट करूं ना, तो आपको रिटर्न पता है कितना मिला, साल का 2.5-3%, शायद एक सेविंग्स अकाउंट के रिटर्न से भी कम का रिटर्न दिया इस महान पॉलिसी ने। और रही बात इंश्योरेंस की, कि इंश्योरेंस तो फ्री हो गया, दो फैक्टर्स इसमें भी हैं। आज जो वैल्यू है 18,00,000 की, वो आज से 12 साल बाद लगभग आधी हो जाएगी। इन्फ्लेशन 6% के आसपास का, यानी हर 11-12 साल में पैसे की वैल्यू आधी होती है। तो आज जो 18,00,000 के इंश्योरेंस के सपने आपको दिखाए जा रहे हैं,
ये आज से 12 साल बाद 9 लाख की वैल्यू के बराबर का इंश्योरेंस बचेगा। उसके अलावा आज शायद बच्चों की कॉलेज की एजुकेशन की सपने आपको दिखाए जा रहे हैं कि हाँ 15-20 लाख रुपए लगेंगे अगर इसको अच्छे कॉलेज में बाहर पढ़ना है या ऐसा कुछ, 12 साल बाद 18 लाख से ना वो कॉलेज की फीस भी डबल हो चुकी होगी। तो ना तो आपके बच्चे की पढ़ाई हो पानी है, ना इंश्योरेंस ढंग का मिल पाना है। हाँ, 12 साल जो आप म्यूचुअल फंड से 12% का रिटर्न कमा सकते थे और शायद 500 रुपए महीने से अपने बच्चे के लिए आप 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस ले सकते थे, वो आप नहीं कर पाओगे, इसकी गारंटी है। अब इसको ना एक ऑल्टरनेट कैलकुलेशन इसका लेते हैं। अभी तो आपने ये पॉलिसी जो मैंने बताया इसमें आपने पैसा लगाया जिसमें आपको 18 लाख का इंश्योरेंस मिला और 12 लाख रुपए आपको 12 साल बाद मिले 18 लाख बन के, 2.5-3% का रिटर्न आया। अब अगर आप ये 1 लाख रुपए प्रीमियम जो हर साल दे रहे थे इसको आप अलग तरीके से करते, आप 10,000 रुपए साल का इंश्योरेंस पॉलिसी में डालते, 1 लाख नहीं सिर्फ 10,000 रुपए, और 90,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हर साल। तो 10,000 हर साल टर्म प्लान और 90,000 हर साल म्यूचुअल फंड। तो क्या होता, 10,000 में ना आपको 1 करोड़ की इंश्योरेंस मिल जाती। आपका बच्चा तो यंग है, 1 करोड़ की इंश्योरेंस मिल जाती। आपको आपके बच्चे के लिए इंश्योरेंस लेना नहीं चाहिए जब वो यंग है, ये तो बात ही अलग है, इसको आगे डील करेंगे। लेकिन अगर लेना भी है तो आप टर्म प्लान लेते, 10,000 में 1 करोड़ की इंश्योरेंस आराम से मिल जाती। थ्योरेटिकली मैं ये कैलकुलेशंस आपको कंपेयर करने के लिए बता रहा हूं। नॉन अर्निंग मेंबर का लाइफ इंश्योरेंस वैसे नहीं लिया जाता है क्योंकि वो कमा नहीं रहा है, तो परिवार आर्थिक रूप से उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जिस पे परिवार आर्थिक रूप से डिपेंडेंट है इंश्योरेंस उसी का लेना है। और चलो 90,000 रुपए जो साल की आप SIP कर रहे हो 12 सालों तक, वो पता है कितना अमाउंट हो जाता? तो 12 साल में आपने डाले होते कुछ 10,80,000 रुपए, और ये बढ़ के पता है कितना हो जाता? तो आपके पास ना 25 लाख रुपए के आसपास होते, शायद उससे ज्यादा भी, लेकिन 25 लाख के आसपास आप रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो सेम 1 लाख रुपए साल के में क्या हुआ, आपको 5 गुना ज्यादा इंश्योरेंस मिला, दूसरा आपको 50% एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी मिले। पहले 6 लाख मिल रहे थे, अब 12 लाख मिले और शायद इससे भी ज्यादा। इस सिंपल रीजन के कारण मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको लेना है टर्म प्लान। और आजकल टर्म प्लान लेना कितना आसान है, कितना ज्यादा। क्यों आप किसी के बहकावे में आते हो कि कौन क्या बोल रहा है, उसने बोला था वो पॉलिसी अच्छी है। आजकल कितना आसान है खुद पॉलिसी कंपेयर करना और सामने ट्रांसपेरेंटली बेस्ट पॉलिसी चूज करना। इसके लिए मैं पॉलिसी बाजार यूज करता हूं, मैंने पर्सनली भी अपना टर्म प्लान पॉलिसी बाजार से लिया था, क्योंकि यहां पे ना आप 20 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी के टर्म प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो, तो ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है। इसके अलावा क्योंकि एजेंट को मोटे मोटे कमीशन नहीं देना, मिडलमैन नहीं है, तो वो पैसा भी तो बचता है ना। वो पैसा जो बचता है उसका पॉलिसी बाजार क्या करता है, थोड़ा थोड़ा मुनाफा वो खुद के लिए रखता है और बाकी आपको डिस्काउंट्स के रूप में मिल जाता है। तो विन विन हो गया ना, सारी वैरायटी भी मिल गई, आपको इंश्योरेंस सस्ता भी मिल गया और क्लेम के समय पॉलिसी बाजार की क्लेम असिस्टेंस टीम आपकी क्लेम लेने में मदद भी कर देती है। तो सारी प्रॉब्लम्स एक सिंपल डेस्टिनेशन से सॉल्व हो गई, किसी और पे रिलाय करने की हमको जरूरत ही नहीं है। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। खुद कंपेयर करो, खुद अपने लिए पॉलिसी लो। कोई अपने कमीशन के लिए आपको क्या चिपका रहा है उसके विक्टिम मत बनो। पॉलिसीज के जाल से, बेवकूफ बनने से खुद को बचा लो। अब एक और जरूरी चीज जान लो कि जब आप पॉलिसी लोगे तो सही तरीके से पॉलिसी लेना है, और सही पॉलिसी लेना है जो आपके लिए सही है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पहले हम वो जान लेते हैं। आपको ना राइडर्स ऑप्ट करने हैं, कोई भी राइडर नहीं। इंश्योरेंस कंपनियां कई तरह के राइडर्स देती हैं, प्रीमियम बैक हो गया, कभी हो गया कि 5 ही साल आपको पैसे देने हैं, जिंदगी भर लाइफ इंश्योरेंस, ये बहुत स्पेसिफिक यूज केसेस में शायद किसी के काम के हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूं। तो जनरली ज्यादातर लोगों के लिए कैसी पॉलिसी सही होती है, जिसमें क्रिटिकल इलनेस राइडर हो। अब एक सवाल ये आता है, मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्रिटिकल इलनेस राइडर लेने की क्या जरूरत है? एक बहुत जरूरी कारण है जिसके कारण क्रिटिकल इलनेस राइडर हमें लेना चाहिए। देखो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ना हर साल बढ़ता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने जितने साल के लिए ले लिया टर्म प्लान उतने साल के लिए फिक्स रहता है टर्म प्लान में। तो अगर आप उसके साथ ही क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लेते हो ना, तो आपकी क्रिटिकल इलनेस का जो प्रीमियम है वो भी लॉक हो गया ना,
वो भी अगले 30 साल 35 साल 40 साल जितने भी साल की आप पॉलिसी ले रहे हो तब तक के लिए वो प्रीमियम भी बढ़ेगा नहीं। और दूसरा आपको लमसम अमाउंट मिल जाता है क्रिटिकल इलनेस में। जैसे मान लो आपके पास 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर है, अब आपको वो इलनेस भगवान ना करे अगर डिटेक्ट होती है तो आपका बिल 5 लाख का बने कि 10 लाख का बने कि 15 लाख का, वो बिल आपका हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगा। लेकिन जब आप बीमार रहे, इतने ज्यादा क्रिटिकल आपको बीमारी है, तो जो जॉब लॉस हो रहा है, जो परिवार की आर्थिक हानि हो रही है, जो आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, उसका खर्चा आपको क्रिटिकल इलनेस से मिल जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल इलनेस कवर का अमाउंट आपको मिलने के लिए सिर्फ बीमारी का डिटेक्ट होना जरूरी है। कितने खर्चे हो रहे हैं उसके इलाज के लिए उससे मतलब नहीं है। आपके पास वो कवर था ना, आपको एकमुश्त वो अमाउंट मिल जाएगा चाहे आपका खर्चा कितना भी हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके हॉस्पिटल और मेडिकल खर्चों की रखवाली करेगा, क्रिटिकल इलनेस राइडर आपके घर की जो आर्थिक हानि हो रही है उसके लिए आपको रीइंबर्स कर देगा। इसलिए ये राइडर ना प्लीज जरूर 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 ले लेना। और एक और आपको लेना है एक्सीडेंट कवर। ये बहुत सस्ता होता है, पॉलिसी में बहुत थोड़ा सा एड ऑन होगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स ना इज वर्थ द अमाउंट। एकदम छोटा सा अमाउंट है लेकिन आपको एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये दो को आप जरूर ले लो। किस उम्र तक लेना चाहिए? इन मोस्ट केसेस 60 से 70 साल के बीच तक अगर आप ये लोगे ना तो सही होगा। लेकिन ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कब तक आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी अगर आप 30 साल के हो और आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है, तो जब तक आप 60 साल के होगे ना आपका बच्चा 30 साल का हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को दो बच्चे करने हैं, तो आप ये मान लो कि जब तक आप 65 के होगे आपका एक बच्चा शायद 35 और एक 30 का हो जाएगा। 30-35 तक तो इंसान इंडिपेंडेंट हो ही जाता है, तो आपके लिए 65 ईयर्स तक की एज का कवर काफी है। अब आप सोचोगे क्यों, जब पॉलिसी वाला मुझे 75 80 100 साल का भी देने वाला है तो उसका पैसा क्यों ना ले लूं मैं। जब आप 100 साल तक की पॉलिसी लेते हो ना तो एक तो प्रीमियम आपका बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। तो वो कॉस्ट वो प्रेशर आज खुद पे डालने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब आप 100 साल के होंगे ना तो आपके बच्चे 70 साल के हो जाएंगे, तो तब आपके पैसे की उनको जरूरत होने वाली नहीं है, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए खुद को आज ये ट्रबल क्यों देना। 60-65-70 साल बहुत हो गया, मैक्सिमम 75 साल तक का इंश्योरेंस ले लीजिए। अपने यूज केस को समझिए और प्रीमियम पे आज पैसा बचाइए ना, उस पैसे को इन्वेस्ट करिएगा, वेल्थ बनाइए, परिवार को अच्छी लाइफ दीजिए। तो हमें ना कई बार हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हम जितनी इंश्योरेंस ले रहे हैं हम उतनी हमारे परिवार के लिए जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ये सही नहीं है। कोई भी चीज की अतिशयोक्ति सही नहीं होती। जितनी जरूरत है उतना किया तो सही, जरूरत से ज्यादा किया तो ज्यादा भी उतना ही गलत है जितना कम। इसलिए हर चीज में बैलेंस रखिए, इंश्योरेंस उतनी लीजिए जितनी जरूरत है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ की, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ के साथ, ये दो राइडर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ सुपर टॉप अप ले लीजिए, हो गया आपकी इंश्योरेंस नीड्स हेल्थ और लाइफ वाली खत्म। फिर जिंदगी एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जिनके घर आप अक्सर देखते हो कि कोई ना कोई उन्हें अपने प्रीमियम के लिए, अपने कमीशन के लिए, अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए, खुद सिंगापुर घूमने जाने के लिए, आपके दोस्तों को, आपके परिवार वालों को अगर कोई पॉलिसी चिपका रहा है, तो वैसा ना हो ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करिएगा और वो, और हो सकता है आप उन्हें बेवकूफ बनने से बचा लें। एक चीज मैं यहां कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, हर इंश्योरेंस एजेंट खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी फील्ड में कुछ खराब लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं। इज दैट खराब लोग ना कई बार ज्यादा लोगों को फंसा लेते हैं। तो मैं किसी भी प्रोफेशन को बुरा नहीं बोल रहा हूं, उसके कुछ लोगों को बुरा बोल रहा हूं। मेरे प्रोफेशन में भी कुछ लोग बुरे हैं, हर प्रोफेशन में कुछ लोग बुरे हैं और उनसे बचना हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।